उनका कर्तृत्व राष्ट्र के काम आएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मैं सभी साथियों को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल लीडर ऑफ द तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनकी तरफ से संबोधन दिया गया। 56 सांसदों की विदाई पर उनकी तरफ से भाषण दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद हैं, बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। 56 सांसदों की विदाई पर उनकी तरफ से भाषण दिया गया। कल भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था, जहां पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार उनकी तरफ से किया गया था। और आज एक बार फिर से राज्यसभा में संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रिटायर्ड सांसदों को आज विदाई दी जा रही है, क्योंकि 56 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस सदन ने देश का मार्गदर्शन किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। लोकतंत्र की चर्चा में मनमोहन सिंह सजग सांसद का उदाहरण है। मनमोहन जी कई स्मृतियां ले जा रहे सांसद। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम की तारीफ भी की। मनमोहन सिंह सांसदों के लिए प्रेरणादायक। इस सदन ने देश का मार्गदर्शन किया, ये भी उन्होंने कहा। लोकतंत्र की चर्चा में मनमोहन सिंह याद रखे जाएंगे। सजग सांसद का उदाहरण है मनमोहन सिंह, कि उनकी तरफ से कहा गया। दुखद घटना को हमने स्वीकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे। और भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता। और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं, तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहां कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एकाध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर रख जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी तो खड़गे को लेकर बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। नई संसद नई ऊर्जा के साथ आएंगे। सदन ने काले कपड़ों की फैशन परेड देखी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। संसद को नजर ना लगे इसलिए काला टीका, नया सदन नई ऊर्जा देता है। कुछ साथी कोरोना काल में चले गए, 10 साल में देश स्मृति के शिखर पर है, ये बड़ी बात है उनकी तरफ से कही गई हैं। 56 सांसदों की विदाई पर ये भाषण। संसद को नजर ना लगे इसके लिए काला टीका करने का काम किया है खड़गे ने, और उनका धन्यवाद भी देते हुए नजर आए हैं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तंज के तौर पर रिटायर्ड सांसदों को आज विदाई दी जा रही है, इसी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं राज्यसभा में। क्या कुछ कहा पीएम ने आपने सुना। संसद ने काले कपड़ों की परेड भी देखी, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। खड़गे जी ब्लैक पेपर लेकर आए हैं, संसद को नजर ना लग जाए, इसलिए खड़गे जी का धन्यवाद उन्होंने दिया है।
देश 10 साल से तरक्की की बुलंदियां छू रहा है, कुछ साथी कोरोना काल में चले गए, ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि आज 56 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मनमोहन सिंह को भी याद किया गया और रिटायर्ड सांसदों को आज विदाई दी गई, बड़ी बातें प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। मनमोहन सिंह हमेशा याद किए जाएंगे। संसद ने काले कपड़ों में परेड भी देखी और खड़गे जी ब्लैक पेपर लेकर आए हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। देश के लिए काला टीका जरूरी ताकि नजर ना लगे, जो नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं देश की तरफ से, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।